अभी जो जो प्रिकॉशंस लिए गए हैं उसकी छोटी सी जानकारी संक्षेप में दर्शकों को दोबारा बता देते हैं कि इन दोनों टावर को आप देख रहे हैं पूरी तरह ढक दिया गया है। इनके आसपास के जो टावर्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, उनको सामने से सफेद कपड़े से ढक दिया गया है ताकि किसी भी तरीके का जो विस्फोट के बाद जो कण उड़ेंगे वो लोगों के घरों में प्रवेश ना किए जा सके। ग्राउंड फ्लोर पर मीनाक्षी अभी जो जानकारी सामने आई वो ये भी सामने आई कि बड़ी संख्या में प्रशासन की तरफ से टायर्स रख दिए गए हैं, रबर के टायर्स रख दिए गए ताकि जो वाइब्रेशन होगी उस वाइब्रेशन को कम किया जा सके। स्मॉग गन्स लगा अलग अलग जगह पर पूरे पेरिफेरी में तैनात कर दी गई है ताकि जब धूल के कण उड़ेंगे या बारूद के कण जब उड़ेंगे तो स्मॉग गन की सहायता से उनको जल्द से जल्द नीचे बैठाया जा सके। हालांकि आज का जो मौसम है मीनाक्षी वो भी अनुकूल फिलहाल नजर आ रहा है, बहुत तेज हवा नहीं है। हवा नहीं है तो सीधा संकेत यह है कि जो धूल के जो कण होंगे या विस्फोट के जो कण होंगे वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। बारिश की संभावनाएं हैं, अगर बारिश अगर होती है खुदा ना खासा अगर ब्लास्ट के बाद में ब्लास्ट के आसपास, तो आसपास के जो लोग हैं या जो इस ब्लास्ट में शामिल पूरा प्राधिकरण है उनके लिए राहत की बात होगी क्योंकि उस धूल को कंट्रोल करने में उनके लिए और ज्यादा आसानी होगी। मीनाक्षी दर्शकों को आज ये भी बताना होगा कि इस पूरे ब्लास्ट के लिए तैयारी कैसे की गई। 21 फरवरी 2022 से ही देखिए फरवरी 2022 से ही 350 वर्कर्स और 10 इंजीनियर लगातार डिमोलिशन का ये स्टेज कैसे सेट किया जाएगा उस कवायद में जुटे हुए थे। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आखिर ये डिमोलिशन होगा क्योंकि करीब 30 मिनट बाद देखिए ये तस्वीर ऐसी नहीं होगी। 30 मिनट का ये वक्त लगेगा और मुझे लगता है अनंत जो यादों में एक तस्वीर आती है कि जब आपने अमेरिका में ट्विन टावर को ध्वस्त होते हुए देखा था वो आतंकी हमला था, लेकिन वो तस्वीरें लोगों के जहन में किसी इमारत के गिरने की रूप में दर्ज है। तो हम पीछे और पीछे आ गए। जी जी